अवेना सतीवा यानी कि ओट्स पौष्टिकता के कारण काफी लोकप्रिय है। अवेना सतीवा ओट्स का साइंटिफिक नेम है। लाखों साल पहले ओट्स पौधे के रूप में विकसित हुए थे। ओट्स के उत्पादन में टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत होती है, इसीलिए ओट्स टर्की, ईरान, इराक, सीरिया और इजिप्ट में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। रशियन फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद कनाडा सेकेंड लार्जेस्ट ओट प्रोड्यूसर में आता है। ओट्स के प्रोडक्शन इन कंट्रीज के सिवा मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में भी होता है। ओट्स बाहर के देशों में काफी सालों से लोकप्रिय है, लेकिन ओट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के कारण अब ये इंडिया में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ओट्स का प्रोडक्शन कैसे होता है और ये इतने एक्सपेंसिव क्यों मिलते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ओट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ओट मिल बनाने में सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल होता है और वो है ओट ग्रेन। अवेना ग्रास के सीड्स को पछाड़ते वक्त काटा जाता है। पतले पतले दानों में स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ओट्स के दाने जितने पतले होते हैं उतना उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है, इसीलिए अवेना ग्रास ज्यादा बढ़ने से पहले काट दिया जाता है। अगर ये ग्रास ज्यादा बढ़ते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद ओट ग्रेन के बाहर कवर जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए, क्योंकि ओट ग्रेन्स बहुत जल्दी पासी हो जाते हैं। ये प्रोसेस हो जाने के बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओट्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं, जो अब हम एक एक करके देखेंगे। क्लीनिंग एंड सिफ्टिंग। क्लीनिंग एंड सिफ्टिंग प्रोसेस के दौरान ओट्स मूविंग ट्रेस पे लोड किए जाते हैं। उसके बाद हाई इंटेंसिटी वाटर स्प्रे के नीचे ओट्स को वॉश किया जाता है। इन ट्रेस में होल होते हैं ताकि पानी के साथ फॉरेन मटेरियल्स को साफ किया जाए। स्टीमिंग। साफ किए गए ओट्स बड़े स्टीमर में चले जाते हैं, जहाँ इन ओट्स को कुछ समय के लिए मॉइस्ट हीट में रखा जाता है। रोलिंग और कटिंग। स्टीमिंग करने के बाद ओट्स को रेजर शार्प नाइफ ब्लेड्स मशीन में कट किया जाता है। क्विक कुकिंग ओट्स को हल्का फुल्का बनाने के लिए सिलेंडर्स के बीच रोल किया जाता है। ये प्रोसेस काफी बार रिपीट की जाती है ताकि ओट्स चाहिए वैसे हल्के हो जाए। रोस्टिंग। ओट्स कट हो जाने की प्रोसेस के बाद आता है इन्हें रोस्ट करना। इन ओट्स को रोस्टर में डाल के पहले से निर्धारित किए गए टेम्परेचर पे ओट्स को रोस्ट किए जाते हैं। पैकेजिंग। रोस्टिंग के बाद ओट्स मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस खत्म हो जाती है, लेकिन इसको अच्छे से पैकेजिंग करना भी जरूरी होता है। अलग अलग साइज के कंटेनर में क्वांटिटी के हिसाब से ओट्स पैक किए जाते हैं। उसके बाद ये कंटेनर्स कार्टून में लोड करके शिपमेंट के लिए भेजे जाते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद ओट्स बनाने की प्रोसेस खत्म हो जाती है। जैसे आपने देखा, ओट्स की मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी नहीं है, फिर भी ओट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? इसके सिवा ओट्स के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ज्यादा है, जिस कारण इनकी डिमांड भी ज्यादा है। आजकल डाइटिंग और वेट लॉस के लिए ओट्स बहुत ही ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ओट्स में कैलोरीज कम होने के कारण ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ज्यादातर लोग सुबह के नाश्ते में ओट्स खाते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में हल्के होते हैं। ओट्स के इतने सारे फायदे और हेल्थ बेनिफिट्स है, जिस कारण इसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे आपने बहुत सी चीजों को देखा होगा, जितनी डिमांड ज्यादा होती है उतना उसका प्राइस बढ़ता है। ओट्स महंगे होने की एक और वजह है कि ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा कि ज्यादातर ओट्स बाहर के देशों में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब चीजें बाहर से आती है तब उनमें प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ इंपोर्टिंग चार्जेस भी लगते हैं, जिस कारण प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ओट्स का अस्तित्व कितने सालों पुराना है, ओट्स का उत्पादन किन देशों में किया जाता है। उसके बाद हमने ओट्स की रॉ मटेरियल से पैकेजिंग तक की प्रोसेस भी देख ली। ओट मिल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कम रॉ मटेरियल से पूरी होती है, लेकिन ओट्स फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं और इनकी डिमांड ज्यादा होने के कारण ये महंगे मिलते हैं। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।